मलतूर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये जादू अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जादू के रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें चाहिए एक शीशा और चार कॉइन। चार कॉइन में से तीन को हम अपने बाएं हाथ में ऐसा पामिंग कर देंगे, एक कॉइन को नीचे रख देंगे। इसे इसको दिखा दीजिए, एक कॉइन को उठा करके सीधा रख दीजिए, इसको दिखा दीजिए सिक्का के सामने रख करके इसका इमेज दिखा दीजिए। थोड़ा राइट साइड में ले आइए, बाएं तरफ जब लाते हो तो ये कॉइन को इसके पीछे ऐसा ले लीजिए ऐसा, और तुरंत दाहिने हाथ से इसको ले लीजिए। इसको थोड़ा सीधा रख करके इसको ऐसा रखना है और ये कॉइन को नीचे छोड़ देना है। ये आ गया। अब क्या करना है, ऐसा पकड़ते हुए इसको इसके पीछे लेकर के रख देना है और इसको यहाँ पर रख दीजिए। इसको दाहिने अंगूठे से ऐसा ले लीजिए, इसको थोड़ा सीधा करके रखिए। जब इसको ऐसा रखते हो तो इसको नीचे छोड़ देना है और उसको ले लेना है। इसमें अब इसको लेने से पहले क्या करना है, जो बचा हुआ कॉइन है इसको भी लेकर के इसके पीछे करके रख देना है। इसको लेकर यहाँ पर रख दो, इसको इसको दाहिने हाथ में ऐसा ले लो और यहाँ पर रख करके छोड़ दो। अब ये चारों कॉइन में से एक कॉइन लेना है, इस तरह से बाएं हाथ में रखना है, ऐसा पकड़ते समय इसको दाहिने हाथ में यहाँ पर पामिंग कर देना है। इस तरह से, इस एंगल से देखने से भी हथेली खाली नजर आएगा। इसके ऊपर रगड़ दीजिए, दूसरा कॉइन ले लीजिए इसको पामिंग करते हुए, और ऐसा ले लीजिए इसको, उस टाइम पर इसको भी उसी तरह से इसके ऊपर पामिंग कर दीजिए। इसको भी रगड़ दीजिए, इसको लेना है, दिखा देना है, उसके बाद इसको ऐसा रख देना है ये कॉइन के सामने, और ये अंगूठे से इसको दोनों को लेकर के यहाँ पर ले लीजिए और इसको दोनों को रख दीजिए और इसको एक बार थोड़ा इस तरह करके दाहिने हाथ भी फ्री दिखा दीजिए। अब इसमें से एक एक को ऐसा अलग अलग करके यहाँ पर रख दीजिए और नीचे छोड़ दीजिए।